Harshita, how are you? Hi, I'm doing great. So, what's Supergirl? Supergirl? Yeah. Thank you. Superman to humne mil gaya. Supergirl bhi aa gayi. Theek hai? Yeah. Harshita, watch I will. Netflix bahut hai. Kya raaz hai? क्या राज है? बहुत सिंपल है. आई थिंक जो जिस वजह से मैं जहाँ पर भी पहुँची हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी. मुझे रुकना अच्छा नहीं लगता. रुकना अच्छा नहीं लगता? नहीं, भागते रहते हो. मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, मुझे काम करना बहुत पसंद है, और कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो मुझे यहाँ लेकर आई है. बहुत सारी लड़कियाँ ब्यूटी को ज़्यादा महत्व देती है, बॉडी को नहीं. डू आई लुक लेस ब्यूटीफुल? इसलिए उनके लिए पूछ रहा हूं कि नहीं है. थैंक यू. एक्चुअली आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ. लोग क्या करते हैं ना, फिटनेस को सिर्फ एक एस्थेटिक्स के रूप में देखते हैं. मैं आपको दो अलग अलग तरह से आंसर करती हूँ. एक तो ये कि कुछ लोग फिटनेस सिर्फ इसलिए करते हैं, उन्हें लगता है कि बॉडी अच्छी बन जाएगी, और वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देते. और कुछ लोग फिटनेस पे से मानते हैं, अगर आप हेल्दी हो ना, ब्यूटी अपने आप आती है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है. यू लुक मोर ब्यूटीफुल. कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अच्छी चीज़, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ नहीं लग सकती. आई थिंक कॉन्फिडेंस मेक्स यू ब्यूटीफुल. कुछ दिन 90 मिनट्स, कुछ दिन 180 मिनट्स. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. रोडीज़ में मैं 3 साल रिजेक्ट हुई थी. थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है ये स्टोरी, सब जानते हैं. 2014, 2015, 2016 और 2017 में मैं चंडीगढ़ के ही ऑडिशन में सेलेक्ट हुई थी. तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जा रही हूँ तो जीत कर ही आऊँगी. वो बहुत मुश्किल जर्नी थी. ये होता है कि 30 दिन के लिए मैं वहाँ थी, और मुझे लगा कि 15-20 दिन का मुझे लगा बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है. आप उन लोगों के साथ रहते हो जो सब सोचते हैं कि हम बेस्ट हैं. तो लेकिन 15-20 दिन के बाद मुझे हुआ कि छोड़ देते हैं, नहीं होने वाला है. लेकिन देन आई रियलाइज दिस इज़ व्हाट आई हैव कम फॉर. लर्न देयर, और जो भी सीखो वहीं पे इम्प्लीमेंट करो, जीत कर वापस आओ. रोडीज में जाने के लिए टिप, रोडीज में जाने के लिए टिप, बी योर सेल्फ. अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करोगे, वो लोग ऑलरेडी उनके पास हैं, उन्हें नई पर्सनैलिटीज चाहिए. बिग बॉस में जा रहे हैं कि नहीं? पता आपके मुंह में घी शक्कर. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं मालूम, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है. मुझे किसी और ने भी पूछा. नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. वो बुलाएंगे तो फॉर श्योर आई विल गो. ऐसे बोलेंगे ना तो एज कैलकुलेट हो जाएगी. नहीं, मैंने आईटी फील्ड इसलिए नहीं छोड़ी. जब आईटी में जॉब किया तो मैंने अपनी ड्रीम कंपनीज में काम किया था. आई वॉन्टेड टू वर्क इन आर्किटेक्ट लिव्स एंड आई वॉन्टेड टू वर्क इन नोवेल. मेरा ये मानना है कि जो कर रहे होते हो ना, उसको दिल से करो. मैंने वो बहुत दिल से की थी वो जॉब. ऐसा नहीं है, मैं आईटी में थी, 1 साल ओवरलैप भी हुआ है. मैं 10-10 लंच बॉक्सेस लेके जाती, 10 बॉक्सेस मील बॉक्सेस, और वर्क खत्म होने के बाद सीधा जिम जाओ. मॉर्निंग फिर से जिम में आओ, कार्डियो करो. इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई ब्रोक दैट मिथ. मैंने पूरे 1 महीने पूरे शो में एक भी गाली नहीं निकाली और एक भी झगड़ा नहीं किया. कंट्रोल में निकालती नहीं हूँ, आपको अब तक पता लग गया होगा. अच्छा ठीक है, श्वेता की फिजिक देखेंगे साइड पे आकर. ठीक है श्वेता, आओगे? Hi, I'm doing great. तो आज सुपरगर्ल हमारे बीच में. सुपरगर्ल? थैंक यू. सुपरमैन तो हमने मिल गया, सुपरगर्ल भी आ गई. ठीक है. फिल्टर वॉच आए हुए नेटफ्लिक्स बहुत है. क्या राज है? क्या राज है? बहुत सिंपल है. आई थिंक जो जिस वजह से मैं जहाँ पर भी पहुँची हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी. मुझे रुकना अच्छा नहीं लगता. रुकना अच्छा नहीं लगता? नहीं, भागते रहते हो. मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, मुझे काम करना बहुत पसंद है, और कंसिस्टेंसी इज समथिंग जो मुझे यहाँ लेकर आई है. बहुत सारी लड़कियाँ ब्यूटी को ज़्यादा महत्व देती है, बॉडी को नहीं. डू आई लुक लेस ब्यूटीफुल? इसलिए उनके लिए पूछ रहा हूं कि नहीं है. थैंक यू. एक्चुअली आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ. लोग क्या करते हैं ना, फिटनेस को सिर्फ एक एस्थेटिक्स के रूप में देखते हैं. मैं आपको दो अलग अलग तरह से आंसर करती हूँ. एक तो ये कि कुछ लोग फिटनेस सिर्फ इसलिए करते हैं, उन्हें लगता है कि बॉडी अच्छी बन जाएगी, और वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देते. और कुछ लोग
फिटनेस पे सी आई से वन थिंग, अगर आप हेल्दी हो ना, ब्यूटी अपने आप आती है अंदर से, कॉन्फिडेंस आता है, यू लुक मोर ब्यूटीफुल. कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अच्छी चीज़, कॉन्फिडेंस से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ नहीं लग सकती. आई थिंक कॉन्फिडेंस मेक्स यू ब्यूटीफुल. कुछ दिन 90 मिनट्स, कुछ दिन 180 मिनट्स. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. रोडीज़ में मैं 3 साल रिजेक्ट हुई थी. थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है ये स्टोरी, सब जानते हैं. 2014, 2015, 2016 और 2017 में मैं चंडीगढ़ के ही ऑडिशन में सेलेक्ट हुई थी. तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जा रही हूँ तो जीत कर ही आऊँगी. वो बहुत मुश्किल जर्नी थी. ये होता है कि 30 दिन के लिए मैं वहाँ थी और मुझे लगा कि 15-20 दिन का मुझे लगा बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है. आप उन लोगों के साथ रहते हो जो सब सोचते हैं कि हम बेस्ट हैं. तो लेकिन 15-20 दिन के बाद मुझे हुआ कि छोड़ देते हैं, नहीं होने वाला है. लेकिन देन आई रियलाइज दिस इज़ व्हाट आई हैव कम फॉर, लर्न देयर और जो भी सीखो वहीं पे इम्प्लीमेंट करो और जीत कर वापस आओ. प्रोड्यूस में जाने के लिए टिप, बी योरसेल्फ. अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करोगे, वो लोग ऑलरेडी उनके पास हैं, उन्हें नई पर्सनालिटीज चाहिए. पता आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं मालूम, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है. मुझे किसी और ने भी पूछा नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. वो बुलाएंगे तो फॉर श्योर आई विल गो. ऐसे बोलेंगे ना तो एज कैलकुलेट हो जाएगी. नहीं मैंने आई टी फील्ड इसलिए नहीं छोड़ी, जब आई टी में जॉब किया तो मैंने अपनी ड्रीम कंपनीज में काम किया था. आई वॉन्टेड टू वर्क इन आर्किटेक्ट लिव्स एंड आई वॉन्टेड टू वर्क इन नोवेल. मेरा ये मानना है कि जो कर रहे होते हो ना उसको दिल से करो. मैंने वो बहुत दिल से की थी वो जॉब. ऐसा नहीं है, मैं आई टी में थी, 1 साल ओवरलैप भी हुआ है. मैं 10-10 लंच बॉक्सेज लेके जाती, 10 बॉक्सेज मील बॉक्सेज, और वर्क खत्म होने के बाद सीधा जिम जाओ, मॉर्निंग फिर से जिम में आओ, कार्डियो करो. इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई ब्रोक दैट मिथ. मैंने पूरे 1 महीने पूरे शो में एक भी गाली नहीं निकाली और एक भी झगड़ा नहीं किया. कंट्रोल में निकालती नहीं हूँ, आपको अब तक पता लग गया होगा. अच्छा ठीक है, श्वेता की फिजिक देखेंगे साइड पे आकर. ठीक है श्वेता, आओगे? फिटनेस की जब बारी आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाइसेप्स फ्लेक्स कर दो या बैक फ्लेक्स कर दो. फिटनेस कम्स फ्रॉम ओवरऑल पर्सनालिटी. सो आई हैव टू पोज लाइक दिस, आई कैन स्टिल पोज लाइक दिस. लेग्स के वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैन एंड फॉर वुमेन, बट मेरा मेन बॉडी पार्ट बैक है बिकॉज आई डू नॉट हैव कैलिस्थेनिक्स. So,